वैसे तो हम दिवाली पर कुछ न कुछ उपाय करते हैं जो कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनाए रखे, लेकिन दिवाली पर अगर शिव जी के ये उपाय करेंगे तो हमारे घर की गरीबी जरूर दूर होगी और घर में सुख समृद्धि रहेगी। जल में केसर मिलाएं और ये शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस उपाय से विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याएं खत्म होती हैं। यदि आप बहुत जल्दी सफलता पाना चाहते हैं तो रोज पारे से बने छोटे से शिवलिंग की पूजा करें। पारद शिवलिंग बहुत ही चमत्कारी होता है। यदि आप लंबी उम्र चाहते हैं तो शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाएं। इससे शिव जी और गणेश जी से घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। चावल पकाएं और उन चावलों से शिवलिंग का श्रृंगार करें। इसके बाद पूजा करें। इससे मंगल दोष शांत होते हैं। समय समय पर शिव जी के निमित्त 1.25 किलो, 1.25 किलो, 11 किलो या 21 किलो गेहूं या चावल का दान करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय काले तिल मिलाएं। इस उपाय से शनि दोष और रोग दूर होते हैं। बीमारियों के कारण परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही हैं तो पानी में दूध और काले तिल मिलाएं, शिवलिंग पर चढ़ाएं। ये उपाय रोज करें। मनचाही गाड़ी चाहते हैं तो शिवलिंग पर रोज चमेली के फूल चढ़ाएं और शिव मंत्र का जाप 108 बार करें। 11 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय या श्री राम लिखें। इसके बाद इन पत्तों की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। शिवलिंग पर रोज धतूरे चढ़ाने से घर और संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। ये उपाय संतान सभी कार्यों में सफलता दिलवाता है। नियमित रूप से आंकड़े के फूलों की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। लक्ष्मी की स्थायी कृपा पाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर रोज चावल चढ़ाएं। चावल पूरे यानी अखंडित होने चाहिए। सभी विशेष तिथियों और त्योहारों पर किसी ऐसे शिव मंदिर में दीपक जलाएं जो सुनसान स्थान पर हो। कच्चे दूध में शक्कर मिलाएं और तांबे के लोटे शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस उपाय से दिमाग तेज चलेगा और ज्ञान बढ़ेगा।